बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल तनु किचन। चलिए आज हम बना लेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से ब्रेड रसमलाई। ये 6 ब्रेड के पीसेस ले लिया हमें, एक कटोरी पिस्ता, एक कटोरी बादाम, एक कटोरी काजू, इसको कट कर लिया हमें तीनों चीज़ों को, एक कटोरी शक्कर, एक चम्मच इलायची पाउडर। रसमलाई में केसर डालते ज़्यादातर, तो केसर नहीं है हम लोगों के पास, इसलिए हम लोग येलो फूड कलर ऐड कर लेंगे। एक चम्मच कस्टर्ड का पाउडर ले लेंगे। चलिए बनाना शुरू करेंगे ब्रेड की रसमलाई। एक भगोने में आधा लीटर दूध को गर्म कर लेंगे अच्छे से। इसमें हम एक चम्मच काजू ऐड कर लेंगे, एक चम्मच बादाम, एक चम्मच पिस्ता, इलायची पाउडर भी ऐड कर लेंगे। अब हम इसमें शक्कर ऐड कर लेंगे। शक्कर अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी। अब हम इसमें येलो फूड कलर ऐड कर लेंगे। अब हम ये दूध को मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पकने के लिए रख देंगे, दूध गाढ़ा हुआ जब तक के। ये दूध अच्छे से गाढ़ा हुआ जब तक, हम ब्रेड के पीसेस को रेडी कर लेंगे। ये गिलास की मदद से इसको रेडी कर लेंगे ब्रेड के पीसेस को। ये देखिए इस तरीके से ब्रेड को गोल शेप दे देंगे। ये देखिए इस तरीके से। इसी तरीके से पूरे ब्रेड के पीसेस रेडी कर लेंगे। ये देखिए ब्रेड के पीसेस बनकर रेडी हो गए। ये देखिए दूसरी तरफ दूध भी अच्छे से पक रहा। ये जितना अच्छा पकाएंगे मलाई साइडों में उतनी अच्छी आएंगी। ये दूध अच्छे से रेडी हुआ जब तक, हम यही इंग्रेडिएंट्स से और एक रेसिपी देख लेंगे। और एक रेसिपी का नाम है ब्रेड खोवा लड्डू। सबसे पहले हम 4 ब्रेड के पीसेस ले लेंगे, इसके साइडों को कट कर लेंगे चारों तरफ से। ये देखिए 8 ब्रेड के टुकड़े ले लिया हमें, इसके साइडा निकाल लिया चारों तरफ से। अब हम खोए का मिश्रण रेडी कर लेंगे। एक पैन में एक चम्मच घी ले लेंगे, उसमें हम खोआ ऐड कर लेंगे। 100 ग्राम खोआ ले लिया हमने। खोए को थोड़ा नरम कर लेंगे घी में अच्छे से। जो हम चारों तरफ से कट कर लिए थे साइडों के हिस्से, उसको ग्राइंड कर लेंगे। इसके हम ब्रेड क्रम्स बना के रेडी कर लेंगे और इसके भी ब्रेड क्रम्स बना के रेडी कर लेंगे। ये खोए में हम थोड़ा इलायची पाउडर भी ऐड कर लेंगे, थोड़े काजू, थोड़े बादाम, थोड़ा पिस्ता, अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसको। ये देखिए खोआ अच्छे से बन के रेडी हो गया। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब हम ये कस्टर्ड को थोड़े पानी में अच्छे से घोल लेंगे, इसमें लम्स ज़रे भी नहीं रहना। कस्टर्ड अच्छे से घोल लिया हमने पानी में। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे दूध में कस्टर्ड, हाथ चलाते चलाते ऐड करना है अपने को। ये देखिए दूध अच्छे से रेडी हो गया। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ करके इसको ठंडे के लिए रख देंगे। ये देखिए दूध की कंसिस्टेंसी इस तरीके की रहना है अपने को, ज़्यादा थिक नहीं बनाना है अपने को, मीडियम ही रखना है इसकी कंसिस्टेंसी अपने को। जो हम ब्रेड के चारों तरफ से साइडा कट कर लिए थे वो ब्रेड के पीसों को हम ऐसा पानी में डीप कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से इसको प्रेस करके पूरा पानी निकाल लेंगे। फिर जो हम खोए की स्टफिंग बना के रेडी कर लिए थे वो ऐड कर लेंगे ब्रेड के अंदर। अब इसको लड्डू का शेप दे देंगे। ये देखिए लड्डू बन गया ये। अब हम इसको ब्रेड क्रम्स में डिप कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से माशाल्लाह। ये देखिए इसी तरीके से पूरे लड्डूआँ बना के रेडी कर लेंगे, ब्रेड खोवा लड्डू। ये देखिए, ये देखिए खोए के लड्डू बन के रेडी हो गए। अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे ठंडे के लिए, जब तक हम रसमलाई बना के रेडी कर लेंगे। ये देखिए रबड़ी अच्छे से ठंडी हो गई।
अब हम इसमें ब्रेड के पीसेस डिप कर लेंगे। अच्छे से डिप करना है इसमें अपने को ब्रेड के पीसेस। अब हम इसको निकाल लेंगे रबड़ी में से। माशाल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह, ऊपर से थोड़ी रबड़ी और डालेंगे। काजू से गार्निशिंग कर लेंगे। बादाम से गार्निशिंग कर लेंगे। पिस्ते से भी गार्निशिंग कर लेंगे अच्छे से। माशाल्लाह, अगर मेरे रेसिपीज आप लोगों को अच्छे दिख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। माशाल्लाह, ब्रेड रसमलाई बन के रेडी हो गई। माशाल्लाह, अब हम ये रसमलाई को फ्रिज में रख देंगे थोड़ी देर के लिए, जब तक हम खोए के लड्डू रेडी कर लेंगे। ये देखिए खोए के लड्डू अच्छे से ठंडे हो गए। माशाल्लाह, अब हम इसको रबड़ी में ऐड कर देंगे। माशाल्लाह, इसको रबड़ी में डिप करके अच्छे से निकाल लेंगे लड्डू को। आप लोग भी इस तरीके से बना के देखिए, रसमलाई और खोए के लड्डू बहुत ही बेहतरीन बनते। ऊपर से भी थोड़ी रबड़ी ऐड कर देंगे। माशाल्लाह, कितने बेहतरीन दिख रहे खोए के लड्डू। अब हम इसको पिस्ता काजू बादाम से गार्निशिंग कर लेंगे अच्छे से। माशाल्लाह, बादाम, काजू, माशाल्लाह, ये देखिए खोए के लड्डू भी बन के रेडी हो गए। माशाल्लाह, इसको कट करके दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ये देखिए माशाल्लाह, बहुत ही बेहतरीन दिख रहे लड्डुआ। ये देखिए रसमलाई और खोए के लड्डू बन के रेडी हो गए। माशाल्लाह, ब्रेड रसमलाई और ब्रेड खोए के लड्डू बहुत ही बेहतरीन दिख रहे। माशाल्लाह, ऐसे ही अच्छे अच्छे रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। माशाल्लाह।